आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। खबर आगरा से, जहां बीएमसी 2017 बैच के छात्रों ने कुल सचिव को घेर लिया। ये छात्र तृतीय वर्ष की परीक्षा कराने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इनके इस विरोध को छात्र संगठनों ने भी समर्थन दिया। आपको बता दें कि छात्रों को पढ़ाई करते हुए 5 वर्ष हो गए हैं और अभी महज 2 वर्ष की परीक्षा हो पाई है, जिसके चलते ये छात्र विरोध करते हुए नजर आए। बलरामपुर जिले में मां बेटी के रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया है, जहां हरैया सदघरवा थाने के गांव में मां पर अपनी नाबालिग बेटी का दुष्कर्म कराने का आरोप लगा है। 16 वर्षीय किशोरी ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया। वहीं पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में आ गई है। एसपी बलरामपुर के निर्देश के बाद पीड़िता की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें कि पीड़िता ने जब घटना के दूसरे दिन थाने में प्रथम सूचना दी थी, तो उसकी तहरीर पर संज्ञान लेने के बजाय एक आरोपी को सीआरपीसी की धारा 151 में चालान कर दिया गया। बलरामपुर जिले के महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले गायब हुए एक युवक का शव एक तालाब में मिलने के कारण इलाके में सनसनी फैल गई, जहां स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को शव मिलने की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कार्रवाई में जुट गई। पूरे देश में अपने जिले का नाम रोशन करने वाली श्रुति शर्मा आज अपने गृह जनपद बिजनौर पहुंची, जहां डीएम कार्यालय में जिला अधिकारी उमेश मिश्रा ने उन्हें सम्मानित किया। देवरिया के मोवाडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत निरोई अम्बा ग्राम सभा में राशन बिखर टॉली को लेकर कोटेदार तरकता पत्नी जावेद आलम के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया, जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर राशन सुधार नहीं हुआ तो हम लोग डीएम के आवास का घेराव करेंगे। फतेहपुर जिले में मंगलवार को एक गांव में शादी समारोह में शामिल होने आए 7 युवक युवतियां गंगा स्नान करने गए थे, जहां 4 युवती और 3 युवक स्नान करते समय गहरे पानी में डूब गए, जिनमें से 2 युवतियां सहित 4 लोगों की गंगा में डूबकर मौत हो गई, जबकि 3 का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमीरपुर के जिला अस्पताल में समय से वहां तैनात सरकारी डॉक्टर नहीं आते हैं। सुबह 8 बजे से ओपीडी का समय होने के बावजूद 9 बजे तक कोई भी डॉक्टर यहां पर मौजूद नहीं रहता। ओपीडी में दिखाने आए मरीजों को हर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की बानगी जिला अस्पताल बना हुआ है। जिम्मेदार अधिकारी ही सरकार की छवि पर दाग लगा रहे हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के रियलिटी टेस्ट में लगातार समय पर ये डॉक्टर्स पहुँचते नजर नहीं आ रहे हैं। जिला अस्पताल में जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, उसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि ओपीडी में समय से आए या ना आ पाए, पर अपने रूम में पहुंचकर प्राइवेट तौर पर दिखते जरूर हैं, जहां पर मरीजों से मनमानी फीस भी लेते हैं। हरदोई के लोनार थाना इलाके में अपने ससुराल पहुंचे एक युवक ने खून की होली खेलते हुए अपने साले और अपनी पत्नी को चाकू मारकर घायल कर दिया। दोनों को इलाज के लिए सीएचसी भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में उसने इस घटना को अंजाम दिया, उसके बाद भाग रहा था। परिजनों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ग्राम गंगोली थाना लोनार का एक प्रकरण अभी संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति जो अपने ससुराल गया था, वहाँ पर ससुराल में ही उसका ससुराली जनों से विवाद हो गया, जिसके कारण वो सब्जी काटने वाले चाकू से उसने अपने अपनी पत्नी और उनके 2 भाइयों पर हमला कर दिया। उनको जिला चिकित्सालय भिजवाया गया है, और जब उनका उनसे पूछताछ की गई कि ऐसा क्यों किया गया, तो उन्होंने कहा ये नशे में थे, ये नशे की हालत में झगड़ा किए और जिसके बाद एक घटना घटी है। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है, इसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कन्नौज में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक बाग में 3 दोस्तों ने ताश के पत्ते खेलने के बाद शराब पी परिजनों का दोस्तों पर पीट पीट कर हत्या करने का आरोप लगा है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम में मौत का जो सच है वो सामने आ जाएगा। गुरसहायगंज कोतवाली के सर्विस रूट का ये पूरा मामला है।
नशे की पूर्ति करने को लेकर आजकल लूट, मोबाइल चुनौती जैसी घटनाओं को नशेड़ी लोग अंजाम दे रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस ने भी समय समय पर अभियान चला रखा है। पुलिस ने 4 लोगों को दर्जनों मोबाइल, मोटरसाइकिल, तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्तियों ने बताया कि वो अपने नशे की आदत को पूरा करने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। कोतवाली परिसर में घटना का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि ये लोग आए दिन सुनसान इलाके में भोले भाले लोगों से मोबाइल छीन कर फरार हो जाते हैं। इसी क्रम में पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए भारी मात्रा में मोबाइल, मोटरसाइकिल और तमंचे के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। लड़के जो थे यहाँ पे आईटीआई थाना क्षेत्र और हमारा मेन कोतवाली काशीपुर क्षेत्र, इसके अंतर्गत ये लोग मोबाइल छीनने के घटनाओं को अंजाम देते थे। ये काफ़ी सारी ये घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इन 4 लड़कों को जब पकड़ा गया है तो इनके पास में से एक मोटरसाइकिल, पैडल और एक बुलेट बरामद हुई है। और ये लोग चाकू और तमंचों के साथ में चलते थे। मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था इनका कि ये किसी का भी मोबाइल छीनते थे, कोई विरोध करता था तो इनका ये भी रहता था कि इसको डरा के धमका के करते थे। हमारे पास में 14 इनके मोबाइल हमने अभी बरामद किए हैं, जिसमें से 4 तस्दीक हो चुके हैं। बाकी 10 लोगों का हम ये पता लगा रहे हैं कि उनके मालिक कौन थे। जिन कंधों पर लोगों की सुरक्षा का भार हो, वो खुद भी अपनी सुरक्षा ना कर सके तो लोग इन कंधों के साए में रहकर अपने आप को कैसे सुरक्षित समझेंगे। ऐसे एक वाक्य जनपद मैनपुरी के थाना करहल क्षेत्र के कस्बा चौकी परिसर में देखने को मिला, जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो चौकी में तैनात चौकी प्रभारी के सरकारी सर्विस पिस्टल ही चोरी कर पुलिस को खुली चुनौती देने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि थाना करहल क्षेत्र के कस्बा चौकी के प्रभारी अनिल कुमार रात के समय गश्त करके चौकी परिसर में अपने आवास पर पहुंचे, जहां वो सर्विस रिवॉल्वर को सिराने रखकर सो गए। तभी अज्ञात चोरों उनके कारतूस से लोड पिस्टल चोरी कर ली। इतना ही नहीं, उनका एक मोबाइल और घड़ी भी चोरी कर फरार हो गए। कस्बा कहल चौकी का यहाँ पे उप निरीक्षक तैनात है, जो रात्रि के दौरान गश्त पर थे और गश्त समाप्त करने के बाद चौकी की जाकर सो गए। रात्रि में कूलर जिस खिड़की में लगा था उसके रास्ते से ये बताया जा रहा है कि इनकी पिस्टल, इनकी घड़ी और इनका पर्स कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। मौके का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है। इस संबंध में उप निरीक्षक अनिल कुमार की तहरीर पर थाना करहल में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, विवेचना की जा रही है और जो चोरी हुई पिस्टल है उसकी तलाश की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर हैं, जहां चौधरी लक्ष्मी नारायण बेटी की शादी में शामिल हुए मुख्यमंत्री। इसी दौरान मथुरा प्रशासन की कड़ी सुरक्षा रही। सुरक्षा होने के बावजूद भी मथुरा की ट्रैफिक पुलिस फेल हो गई। मथुरा की आम जनता ट्रैफिक से जूझती रही। इस दौरान मथुरा गोवर्धन पैलेस में होटल शादी के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आगमन हुआ तो भीड़ ने गोवर्धन पैलेस होटल का एक नंबर शीशे का गेट तोड़ दिया। शादी में शामिल हुए कार्यकर्ता बाल बाल बच गए। मुरादाबाद के थाना मौजौला क्षेत्र के बुद्धि विहार फेज 2 पानी की टंकी के पास मौजूदा पार्क से युवक का शव मिला है। बताया जा रहा है कि मौजौला के एक खुशहालपुर शाहपुर तिगरी निवासी गजेंद्र का बड़ा बेटा 22 वर्षीय अंकित मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी 2 छोटी बहनों का खर्चा उठाता था। सोमवार की सुबह पड़ोस का ही युवक सुमित उर्फ छोटू अंकित को घर से बुलाकर साथ ले गया। दिनभर दोनों की कोई खैर खबर परिवार वालों को नहीं मिली। रात 9 बजे अंकित के घर पहुंचा और पिता को बताया कि अंकित बेहोशी की हालत में पार्क में व्हाइट हाउस के पास पड़ा है। जाकर देखा तो फिर उसकी मौत हो चुकी थी। पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक के कुंडेश्वर खैरालिंग इस बार 2 वर्ष बाद आयोजित हो रहे मेले को भव्य बनाने के लिए मंदिर मेला समिति ने पहले से व्यापक तैयारी की थी। मेला समिति द्वारा आज दूसरे दिन स्थानीय महिला मंगल दलों की सांस्कृतिक प्रतियोगिता भी रखी गई थी। प्रतियोगिता में पौड़ी, सतपुली से लेकर आसपास के गाँवों सहित 10 मंगल दलों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर विजेता महिलाओं को पुरस्कार दिया गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।